हेलो दोस्तों, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। ये नाश्ता मैंने आज सुबह से बनाया था बच्चों के स्कूल के लिए। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप इस नाश्ता को एक बार बनाओगे तो आपके बच्चों का यह नाश्ता फेवरेट हो जाएगा। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए हमने लिया एक कटोरी सूजी और दो कच्चे आलू लिए हैं। जितना मैंने सूजी लिया उतना ही आलू लिए हैं। आलू को हम छील करके ग्रेट कर लेंगे। ये नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और घर की चीज़ों से बन जाता है। बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आटा और आलू तो सबके घर में ही होता है और बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। दोनों आलू को मैं ग्रेट करके पहले रख लूँगी, उसके बाद मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। आलू ग्रेट करने के बाद अब मैं इसे धो लूंगी पानी से। धोने के बाद इसे एक कटोरी में निकाल लूंगी। जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैंने आलू लिया है। दोनों को देखो बराबर लिया है। दोनों एक ही साइज की कटोरी है। जिस कटोरी से नाप करके मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से नाप करके मैं दो कटोरी पानी डालूंगी कढ़ाई में। पानी में उबाल आने तक इसे पकाएंगे। इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जैसे हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च, जीरा, एक चम्मच तेल डाल दूंगी। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं ग्रेटेड आलू डाल दूंगी जो मैंने ग्रेट करके रखा है। इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें सूजी डालूंगी और इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे। गैस को अब बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये आटा की तरह ना हो जाए। देखो ये सूजी हमारी बिल्कुल पक गई है। इसे थोड़ा सा और इसका पानी सुखाना है। अभी पककर बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक हम थाली में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। कोई भी आकार में आप नाश्ता बना सकते हैं, जिस आकार में आपको पसंद हो और जल्दी हो जाए, बनाने में भी आसान हो। अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसे हम चम्मच से थोड़ा सा मसल लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हाथ से मसलेंगे और जिस आकार में आपको पसंद हो ये नाश्ता वैसे ही आप बना सकते हैं, कोई भी आकार में। और हमने ऐसे गोल गोल पेड़ा जैसे बनाए हैं इसकी। ऐसे ही पूरा नाश्ता मैं बना करके रख लूंगी। ये नाश्ता बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती क्योंकि आलू डाला है तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट रहता है। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगती हैं। देखो मैंने नाश्ता पूरा बना लिया। अब मैं तेल गरम करूंगी। तो
तब तक भी तल रहे हैं तब तक इसके खाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ। डाल दूंगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी जाना है तो जल्दी भी, इसलिए एक साइड में तल रहे हैं, एक साइड में इसके लिए चटनी बना रही हूँ परोसने के लिए। इसमें मैं डाल दूंगी चने, जो भुंजे हुए चने होते हैं, और नमक, जीरा, एक हम नींबू निचोड़ देंगे और एक दो चम्मच पानी डालेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। जो हमारी चटनी बन गई है, एक साइड हमारा नाश्ता भी अच्छे से तल रहा है, उसे बीच बीच में हम देखते रहेंगे। देखो क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इसे हम तलेंगे। जब नाश्ता हमारा तल जाएगा उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस नाश्ता को आप गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे आप टमाटर की चटनी या हरी चटनी के साथ परोसिए या फिर आप सॉस के साथ। हमारा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखो आपको हम तोड़ कर भी दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा हमारा नाश्ता क्रिस्पी है।